मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम एक स्टोरी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं और ये स्टोरी आपके जाने माने पहचाने हीरो की है जिसका नाम है दाऊद। आप सब लोग दाऊद से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। सब दाऊद के बारे में बहुत से हर एक चर्चों में ज्यादातर दाऊद की जो है बहुत सी बातें होती हैं। आज उसी की बात करेंगे कि दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा। देखिए, दाऊद जो था वो उसके पिता का नाम ईशे था और उसके जो थे दाऊद के अलावा भी 7 और भाई थे, उससे बड़े थे। और दाऊद जो था सबसे छोटा जो था बेटा था और वो 8वां जो पुत्र था, ईशे का 8वां पुत्र था। और दाऊद के जो 3 भाई थे, मैं तीनों के नाम बता देना चाहता हूं, 3 बड़े भाई जो थे वो शाऊल की सेना में जो थे वो योद्धा थे, सैनिक थे। जी हाँ, उसे सैनिक थे और वो सब मिलकर जो थे गोलियत से लड़ने के लिए खड़े हुए थे। और वो 3 भाई कौन से थे? एलियाब, अबीनादाब और शमा। ये 3 भाई जो थे ये शाऊल की सेना में जो थे वो सैनिक थे। राजा शाऊल से जो था परमेश्वर नाराज हो जाता है और राजा शाऊल से जब परमेश्वर नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद उसके स्थान पर जो है राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक करता है। अब सैमुअल को वो भेजता है कि सैमुअल जाकर ईशे के घर में जा और उसके पुत्र को क्या कहते हैं राजा होने के लिए अभिषेक कर। अब सैमुअल को नहीं पता कि वो कौन सा पुत्र है। अब सैमुअल के सामने बड़ा बेटा आता है, वो कहता है परमेश्वर ने इसे चुना होगा, मगर अगर परमेश्वर कहता नहीं ये भी नहीं है। दूसरा आता, तीसरा आता, 7 बेटे आते, कहते नहीं ये भी नहीं है। अब वो सैमुअल सोचता फिर कौन सा होगा। तब वो पूछता है ईशे से, यानी दाऊद के पिता से पूछा, तेरा और भी कोई बेटा है? हाँ, एक है, बहुत छोटा सा है, वो जंगल में जाकर भेड़ बकरियों की रखवाली करता है, उन्हें चराता है। वो कहता है उसे बुला ला जल्दी। और जैसे ही वो आता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से 16-17 साल का और बालक था। और लाली जो थी उसके चेहरे से झलकती थी और जैसे ही सैमुअल की निगाह उस पर पड़ती है परमेश्वर कहता है इसका अभिषेक कर। अब देखिए, 7 बड़े बड़े भाई और सेना में है, किसी का राजा होने के लिए अभिषेक नहीं किया, परंतु उसका जो है अभिषेक जो है परमेश्वर करता है राजा होने के लिए। दाऊद के अंदर एक और भी खूबी थी। दाऊद जो था वीणा बड़ी अच्छी बजाता था और जब वीणा अच्छी बजाता था तो एक बात है, जब राजा शाऊल से परमेश्वर नाराज हो गया तो उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा जो थी उसे बहुत घबराती थी, तो उसके लिए एक अच्छी वीणा बजाने वाला जो था वो चुना गया और दाऊद जो था दाऊद को बुलाया गया। और दाऊद जब जब वीणा बजाता था तो वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती। आज बहुत से म्यूजिक जो है वो परमेश्वर के भवनों में बजाई जाती है, सुनाई जाती है, बहुत जोरों से जोश आता है, लोग झूमते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। दाऊद के अंदर ये खूबी थी और बताता है। फिर जब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि फिलिस्तीनियों का जो एक योद्धा था जिसका नाम गोलियत था, गोलियत ने क्या करा, इजरायली सेना को ललकारा। और इजरायली सेना को ललकारा और क्या कहा कि कोई भी जन अकेला मुझसे आकर कुश्ती लड़े और अगर वो लड़ लेगा तो समझो वो विजय हो जाएगा। अब गोलियत से लड़ने के लिए, अब आप कहोगे कि शाऊल की सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, वो लड़ सकते थे, वो हरा सकते थे, मगर पहले सुन तो लीजिए। लिखा गोलियत जो था 9 फुट 8 इंच 75 सेंटीमीटर लंबा था, यानी गोलियत की जो लंबाई दी गई है बाइबल के अंदर 6 हाथ और 1 बित्ता जो है उसकी लंबाई दी गई है। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 9 फुट 8 इंच और 75 सेंटीमीटर लंबा था। और जानते हैं उसके सिर पर जो पीतल का टोप और जो झिलम पहनता था उसका भार कितना था? परमेश्वर का वचन जो बताता है कि यहां पर लिखा हुआ है उसका जो भार था 5000 शेकल पीतल था, लगभग 57 किलोग्राम। जी हाँ, अब और उसके जो भाले की नोक की जो भाला आगे होता है वो डंडे में लगा होता है बड़ा लंबा सा, और जो आगे का हिस्सा था उसका ही भार जो था परमेश्वर का वचन बताता है कि 7 किलो था। और एक बड़ी ढाल जो थी, बहुत बड़ी सी ढाल जो थी, एक व्यक्ति वो ढाल पकड़े पकड़े आगे उसकी चलता था। इतना सब कुछ लदा फंदा और तलवार बहुत भारी उसकी तलवार थी, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति। अब सोचिए कि उससे लड़ने के लिए
किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और 40 दिन तक सुबह और शाम को वो इसराइलियों को आकर ललकारता था कि मुझसे लड़े कोई है नहीं। अरे इसराइल की सेना में कोई नहीं है, तुम तो परमेश्वर की सेना हो, तुम तो परमेश्वर यहोवा की सेना हो, परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में बड़े बड़े चमत्कार करे हैं, क्या परमेश्वर ने तुम्हें इतनी ताकत नहीं दी। मतलब ये लैंग्वेज थी उस समय, जैसे हम लोग लड़ते हैं ना, जिस तरीके से उकसाते हैं किसी को लड़ने के लिए, वो चीज जो थी वो वहां पर गोलियत कर रहा था। दाऊद को जो उसका पिता ईशे था उसने भेजा कि जा युद्ध के मैदान में जा और अपने भाइयों का हाल चाल लेकर आ। दाऊद जब जाता है और जब दाऊद देखता है अरे ये गोलियत और ये जो है परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, दाऊद को बड़ा गुस्सा आया कि ये है क्या, इसकी औकात क्या है, अरे ये क्या, इसे तो मैं ऐसे चुटकियों में मसल दूंगा। क्यों कॉन्फिडेंस था उसका, क्यों वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़ाई जो है ये परमेश्वर की है, क्योंकि वो जानता था कि ये जो गोलियत है जिसको वो ये ललकार रहा है, ये जो है ये किसी और को मामूली इंसान पर नहीं ललकार रहा है, ये परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। आपने देखा होगा ना कि जो परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, और दाऊद इस बात को जानता था कि ये जो है परमेश्वर की आंख की पुतली में उंगली डालने की कोशिश कर रहा है, अरे इसकी औकात ही क्या है। वो शाऊल से कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा। शाऊल उसे कुछ अटरम सटरम टोपी ऊपी झिल्लम और भाले वगैरह सब पहनाता है। अब दाऊद बेचारा चल ही नहीं पाता, लड़का था, कहता अरे ये हटाओ सब यार, मैं नहीं पहनूंगा ये। भैया तो तू लड़ेगा कैसे उससे, उसके पास तो इतना बड़ा भाला है, उसकी ढाल इतनी बड़ी है, उसकी तलवार इतनी बड़ी है, वो इतना लंबा चौड़ा, तू तो पिद्दी सा है। दाऊद वहां पर एक कहता है, राजा शाऊल तेरा दास पिद्दी सा जरूर है, जरा सा जरूर है, मगर जब जंगल में तेरे दास की भेड़ बकरियों के कोई शेर कोई भालू बच्चे ले जाता था तो परमेश्वर मुझे तब वो सामर्थ्य देता था, मैं भालू और शेरों के जबड़े चीर कर उस मेमने के बच्चे को उनके जबड़ों से निकाल लेता था और उनके बाल पकड़कर उन्हें मार डालता था, इतनी ताकत है। मैं वही बच्चा इतने बड़े बड़े शेरों और भालू को मार दिया, परमेश्वर ने मेरी वहां रक्षा करी, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे साथ है, यह है क्या, ये तो शेर भालू कुछ नहीं है। अब जब दाऊद लड़ने जाता है और लड़ने भी देखो क्या जा रहा है, एक तो जरा सा बच्चा, भाई गुस्सा तो आना ही है सामने वाले को, वो इतना लंबा चौड़ा एक जरा से बच्चे को भेज दिया है इसराइल के राजा ने, शर्म भी नहीं आई जरा से बच्चे को मतलब पीसने के लिए भेज दिया। अब वो तो यही सोच रहा है ना गोलियत कि जरा से बच्चे को मेरे हाथों से मरवाने के लिए भेज दिया। अब वो ये नहीं जानता कि ये जरा सा बच्चा नहीं है, इसके साथ जो खड़ा जो है वो उसे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जरा से बच्चे के साथ खड़ा कौन है भाई, इस जरा से बच्चे के साथ कौन खड़ा, परमेश्वर खड़ा है। क्योंकि दाऊद क्या कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम यानी युद्ध जो है यहोवा का। वो बोला मैं थोड़ी जा रहा हूं युद्ध में, मैं दिखाई दे रहा हूं मगर मैं देख रहा हूं मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे युद्ध में जा रहा है। और लेके क्या गया, गोफन और 5 जो चिघने पत्थर लेकर गया, 4 तो उसने अंटी में लगा लिए और 1 पत्थर लेकर उसने गोफन में लगा दिया। अब जब गोलियत ने देखा, अब गोलियत खिसियाने लगा, उसे कोसने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा, तू मर जाए, तू सड़ जाए, तुझे सड़ा दूंगा, तेरे चिथड़े कर दूंगा, तुझे तेरे लाश को जो है चील आकाश के पक्षी खाएंगे, ये होगा वो होगा बहुत कुछ। दाऊद क्या कहता है, यार रहने दे, मैं आज के लैंग्वेज में बता रहा हूं जो बच्चों का एटीट्यूड है, अरे रहने दे यार, परमेश्वर जो है आज मुझे तेरे हाथ में कर देगा और मेरे ये जो तेरा सर है ना जो इतना बड़ा टोप लगाए हुए है इसको तेरे धड़ से अलग कर दूंगा मैं, तू देख अभी देख 2 मिनट के अंदर, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है, संग्राम तो यहोवा का, युद्ध यहोवा का है। भैया वो जो था उसने गोफन में डाला, अब वो जो गोलियत उसके पीछे उसके आगे भागा ना, भाग के आया उसने घुमाया जो गोफन में पत्थर के शिवों से छोड़ा, सटाक से उसके यहां माथे पर लगा और माथे पर लगते ही वो गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा दाऊद दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ गया उसने निकाली उसकी तलवार और उसकी गर्दन काट दी जो उसने कहा। अब फिलिस्तीनियों ने देखा कि एक जरा से बच्चे ने इतने बड़े योद्धा को मार दिया हमारे,
तो भैया वो तो डर के भाग गए कि इसी युद्ध इस जरा से बच्चे में इतनी ताकत है, और वो ये नहीं जानते कि उसके पीछे जो है परमेश्वर खड़ा है, वो नहीं जानते कि उसके साथ परमेश्वर खड़ा है, वो ये नहीं जानते कि उसके आगे परमेश्वर खड़ा है, वो ये नहीं जानते कि उसके चारों ओर परमेश्वर खड़ा है, परंतु दाऊद इस बात को जानता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी मत घबराएं, आप मुसीबत से ना घबराएं, परेशानियों से ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर खड़ा है। आप अपने शत्रुओं से मत घबराएं, क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर खड़ा है और आपको विजय बनाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।